याद रखो हमारे मलिन मन ने जो दूसरे काम बड़े ज़रूरी समझ रखे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। सबसे ज़रूरी काम है भगवान को मिलना, और भगवान वैसे हमारे हृदय में बैठे हैं, पर कैसे मिलना उनको? भगवान हृदय में विराजमान है सभी के, लेकिन हृदय जो है हमारा कलुषित है, दूषित है, विषय विकारों का कारण, स्त्री चिंतन के कारण, पुरुष के चिंतन के कारण हृदय दूषित है। तो इस दूषित हृदय को शुद्ध करना है, इसको शुद्धि की ओर ले जाना है। जैसे जैसे ये शुद्ध होने लगेगा, और शुद्धि इसकी यही है कि ये विषय विकारों से हट जाएगा, वैसे ही ये शुद्धि की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो यही हम सब का प्रयास रहना चाहिए। अभी जैसे एक व्यक्ति विदेश में हमारे संपर्क में आया, उसकी कोई 80-85 साल उम्र थी, कम ज़्यादा भी हो सकती है, छोटे कद का था, सेहत बड़ी अच्छी उसकी, और उसके 11 बच्चे, 10 लड़कियां और एक लड़का। तो देखो ये विषय वासना कितनी प्रबल है। मंदिर में आता जाता था, नारायण नारायण कहता था, नारायण नारायण नारायण। तो मंदिर में एक दिन आया, आता रहता था, मिलता था, कहता है कि आज तक मैंने गुरु नहीं बनाया कोई भी, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आपको अपना गुरु बनाना है। मैं चुप रहा, तो गुजराती भाषा में कहता है कि तुम्हें मने आशीर्वाद आपो, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने कहा सू जो ये तुम्हें क्या चाहिए आपको? कहते बीजो लगन करवाना चाहिए, लगन करता है दूसरी शादी करनी है। मैंने 85 साल की उम्र में 11 बच्चे, ये हालत है, 11 बच्चे 85 साल उम्र, लेकिन शादी दूसरी करनी। ये विषय वासनाएं जो हैं ये जीव को ग्रस लेती हैं, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, ऐसे ग्रस लेती है। इन विषय विकारों को समझो, कलयुग का पहला है, समय तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस गंदगी से बचने का रास्ता भी यही है कि हमने इससे मन को हटाना है, विषयों से मन को हटाना है और प्रभु के चरणों में लगाना है।